fast with it. Hop in the rental, hit the gas, and I dash with it. Big facts, dumb bitch trying to smash. Hopped in my lane, so I... हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेसलिंग ट्रेनिंग इन हिंदी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बैरन कॉर्बिन का फिनिशिंग मूव एंड ऑफ डेज सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, एंड ऑफ डेज परफॉर्म करने के लिए आपको फेस बम्प आना बहुत ही ज़रूरी है और आपके जो आपको एंड ऑफ डेज देने वाला है उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि विदाउट स्ट्रेंथ के ये मूव परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। आप हमारा हाल तो देख ही सकते होंगे, आमन जैसी स्ट्रेंथ चाहिए आपको इसको परफॉर्म करने के लिए। और दोस्तों, फेस बम्प इसमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सीधा फेस पे गिरते हैं। अगर आपको फेस बम्प नहीं आता तो आप हमारी बेसिक ट्रेन की वीडियो देखकर फेस बम्प, बैक बम्प ये सब सीख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आमन हमें बताएंगे कैसे परफॉर्म करते हैं एंड ऑफ डेज। दोस्तों, एंड ऑफ डे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो आपका अपॉइंट है वो थोड़ा आपसे तगड़ा चाहिए। जब आप इसको स्टार्टिंग को सीखोगे तो आप क्या करो, जिसको आप एंड ऑफ डे देखो ना, वो ज़रा आपसे वेट में कम होना चाहिए, उसके हाइट भी थोड़ा आपसे कम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी सीख सकोगे और आप में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और गाइस, जिसके लिए आपको जो बैक बम है ना वो भी परफेक्ट होना चाहिए, उसके सिवा आप उसे एंड ऑफ डे नहीं देख सकते। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हो, आपको मैचेस खेलना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो आप क्या कीजिए, जैसे प्रो रेसलिंग की बेसिक ट्रेनिंग है ना, उसके साथ आप क्या करो, वर्कआउट भी करो। वर्कआउट करो तो क्या होगा, आपकी ज़रा बॉडी स्ट्रांग रहेगी, उससे आपको इंजरीज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आप ये बात याद रखो, वर्कआउट भी करो, बेसिक ट्रेनिंग करो, उसके बाद ही आप ये सब ट्राई करो। स्टार्ट तो गाइस, स्टार्टिंग क्या करना है, आप जो एंड ऑफ डे देगा वो क्या करेगा, अपने हैंड से पकड़ के अपने अपोनेंट को अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको क्या करना है, जब आपका अपोनेंट ऐसे, मतलब उसके दोनों पैर आगे ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए गाइस, ऐसे आपको खींचना है। तो देखिए, जब आपके अपोनेंट का पैर ऊपर जाएगा तब आपको सामने की तरफ ऐसे झुकना है। हम एक बार और आपको करके दिखाते हैं। तो आपको सामने की तरफ झुकना है और जब उसका पैर पीछे जाएगा तो आपको पीछे की तरफ बम लेना है। उससे क्या होगा, आपको जो जजमेंट हो बराबर बैठेगा, उससे फेस बम लेने में आसानी होगी, आपको बैक बम। और अगर आप क्या करोगे, जैसे आपका अपोनेंट, समझिए अभी ऐसे उठा है, आप तुरंत ऐसे करोगे तो आप एंड ऑफ डे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपका अपोनेंट फेस बम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप भले बैक बम परफॉर्म कर लोगे पर एंड ऑफ डे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो आप याद रखना, पहले आपको अच्छे से ग्रिप पकड़नी है, उसके बाद अपने तरफ उसको खींचना है। जब उसके पैर हवा में जाएंगे तब आपको आगे की तरफ प्रेशर देना है, और जब वो आपके पीछे तरफ आएगा तो आपको बैक बम लेना है, उसे फेस बम लेना है। ऐसे करके आप दोस्तों एंड ऑफ डे बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेंगे। और दोस्तों, आपको सिंपल से एक चीज़ याद में रखनी है, जब आप ग्रिप पकड़ोगे ना तो आप कैसे ग्रिप पकड़नी है, इसकी चेस्ट का एंड है ना, चेस्ट के एंड से शोल्डर के स्टार्ट तक आपको ऐसे ग्रिप पकड़नी है, और आपको अपने एक हाथ उसके पीछे ऐसे रखना है ताकि आप अपनी पूरी ताकत लगा सको एंड ऑफ डेज देते समय। और दोस्तों, आमन ने अभी कहा था आगे जाना है पीछे जाना है, वैसे आपको करना है। जब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा ना दोस्तों, तब आमन आगे झुकेगा, मेरे पैर जब हवा में होंगे तब, और जब मैं अपने पैर पीछे लाऊंगा ना तब आमन पीछे जाएगा, ताकि हम दोनों को आसानी हो सके बम्स लेने में। और दोस्तों, आप में थोड़ी एजिलिटी भी होनी चाहिए ये मूव परफॉर्म करने के लिए, जिसे ये मूव बैठने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा आपको जल्दी परफॉर्म करना पड़ता है। और दोस्तों, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा इस मूव के बारे में, जब आपके ओपोनेंट को क्या करना है, जब आपके पैर इधर तक आएंगे ना ऊपर जाके पीछे तक, तब आपके ओपोनेंट को बैक बम्प लेना है, वरना आपके पैर हवे में है और आप फिर पहले ही आपका ओपोनेंट बैक बम्प ले लेगा तो आपको ही कोड ब्रेकर बैठ जाएगा। ऐसा हुआ है हमारे साथ बहुत बार, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। सिंपल से आपको करना क्या है, जब ओपोनेंट आपको ग्रिप पकड़ लेगा, आपके पैर हवा में होगे ना, तब उसको बैक बम्प नहीं लेना। जब आप हवा में जाके पीछे आओगे ना दोस्तों, इतना तक हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी पोजिशन तक आ जाएंगे ना, तब आपको आपके ओपोनेंट को बैक बम्प परफॉर्म करना है, और आपको ऐसे पीछे जाके पैर सीधा करने हैं। और दोस्तों, फेस को ज़्यादा तो लगता नहीं है, अगर आपको फेस बम्प आता है तो ये मूव आपको फेस को लगेगा ही नहीं। हम एक बार आपको फिर से स्टेप स्टेप में बता देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मोमेंटम लीजिए दोस्तों, उसके बाद ग्रिप पकड़नी है, जब पास आ जाएंगे ना तो ग्रिप पकड़नी है ऐसे। देखिए दोस्तों, ऐसा आपका हाथ पीछे आना चाहिए और आपका हाथ उसके शोल्डर पर होना चाहिए, और जो ये दूसरा हाथ है ना उससे आप अपना फेस बचाइए दोस्तों।
और पैरों का कुछ नहीं है, लेकिन जब आप इसे परफॉर्म करोगे ना तो थोड़ा पैर को सेफ्टी के ध्यान रखिए, क्योंकि लग जाता है ऐसा मूछ पैर को। सिंपल से ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, फिर उसके बाद आपको ऐसे आपके दोनों पैर हवा में ले जाने, उसके बाद जब इधर तक आ जाएंगे आप हवा में जाकर पीछे तक आ जाएंगे ना, तब आपके ओपोनेंट को एसटीओ की तरफ पीछे गिरना है और आपको फेस बम्प लेना है। एक बार हम करके दिखाएंगे, देखो दोस्तों आ गए हम स्टैंडिंग पोजीशन में, हम स्टैंडिंग पोजीशन में दिखा रहे हैं क्योंकि माइक लगा हुआ है दोस्तों, माइक टूट सकता है इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। जब आप इधर तक आ जाओगे ना दोस्तों, तब आपका ओपोनेंट बैक बम्प, एक बार पकड़ो हम बैक बम्प ले लेगा, देखो। और हमें और आपके पैर थोड़े ऐसे एयर में रहने चाहिए, थोड़े से एयर में रहने चाहिए दोस्तों। आप ऐसे खड़े मत हो जाइए सीधा जैसे हम खड़े हुए थे, हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ वैसे बता रहे थे, खड़े मत हो जाइए वरना मुंह अच्छा नहीं लगेगा। और दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट मूव है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, हमें भी आता नहीं था, दस बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आ गया। आपको मैं बताना चाहूँगी ये मूव है ना, आपको ज़रा फास्ट करिए इसे, अगर इसको स्लो में करोगे ना तो आप इसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फास्ट में जब आप करोगे ना तो आपको मोमेंटम मिलेगा, तो इससे आपको क्या ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अपोनेंट को भी ज़्यादा मतलब तकलीफ नहीं होगी। अगर आप स्लोली करोगे तो आपको बहुत मतलब दिक्कत जाएगी करने को। और गाइस हम जो आपको बताते हैं वो हम किसी वीडियो में देख के नहीं बताते, जो हमारे एक्सपीरियंस है डेढ़ दो साल में हम जो ट्रेनिंग करते हैं, जो हमें एक्सपीरियंस आया है वही हम आपको आप बता रहे हैं, वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि कौन सा मूव कैसे परफॉर्म करते हैं, स्टार्टिंग की ट्रेनिंग कैसे करने का, तो ये सब गाइस हम अपने एक्सपीरियंस से बताते रहे। आपको कोई वीडियो देख के हम ऐसे आपको बेवकूफ़ या फंसाने की कोशिश नहीं करते। और गाइस आप जब अपना ये एंड ऑफ डे परफॉर्म करेगा ना तो आप किसी सेफ जगह परफॉर्म करें, क्योंकि जो एंड ऑफ डे देखता है उसे बैक में बहुत इंपैक्ट बैठता है और आपके अपोनेंट के नीस को भी बहुत इंपैक्ट बैठता है, इसलिए आप नी को पैड पे लगाइए। आप स्टार्टिंग को आप गद्दी पे ट्राई कीजिए, मैट पे ट्राई कीजिए और ग्रासी एरिया में ट्राई कीजिए, और हो सके उतना मतलब ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए पहले, बेसिक ट्रेनिंग की वर्कआउट वगैरह कीजिए, तभी आप ऐसे जो ऐसे डिफिकल्ट मूव है उसे ट्राई कीजिए। उसके बिना आप ये सब मत ट्राई करना, नस्ता आपको बहुत बड़ी इंजरीज भी हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब आप गिरने वाले होते हो ना तब आपको अपने फेस को बचाना है जमीन फ्लोर पे टच होने से, अगर आपको फेस बम्प आता है तो आप अच्छे से सीख जाओगे। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, ऐसे मूव करते समय अपना हाथ ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं तब आपका हाथ टूट भी सकता है दोस्तों। आपको इतना याद रखना है जब आप गिरोगे ऐसे दोस्तों, देखिए हम ऐसी पोजिशन हो गई, जब गिरोगे ना एक हाथ तो आपके ओपोनेंट के शोल्डर पे होगा और एक हाथ आपका ऐसा आपका मुंह बचाएगा दोस्तों। तो सिंपल से आपको क्या करना है, मुंह बचाना है, ऐसा हाथ नहीं करना या फिर ऐसा अंदर की तरफ हाथ नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों आप सबका थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो सके हैं, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं 2000 सब्सक्राइबर के लिए। मंजिल तो अभी बहुत ऊपर है दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।